फाइव सीरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवाल। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की भले ही रिहाई हो चुकी है, लेकिन उनकी रिहाई के बाद का रास्ता इतना आसान नहीं है। बीते 8 मई को ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 15 दिनों के अंदर ये जवाब देने को कहा है कि आखिर क्यों कानून में संशोधन किया गया, जिसके बाद रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन में भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश कुमार के साथ साथ मुख्य सचिव को लेटर लिखा है और आनंद मोहन की रिहाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। देखा जाए तो एक तरफ जहां जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की और अब 15 दिनों के अंदर बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है, तो वहीं अब आईएएस एसोसिएशन भी इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़ा हो गया है और ये कह रहा है कि ये जो सरकार का फैसला है ये आईएएस एसोसिएशन के साथ गलत किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी आईएएस अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पर होंगे वो भयभीत होकर काम करेंगे, वो बेखौफ होकर काम नहीं कर पाएंगे। दरअसल क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखा जाए तो जो एसोसिएशन की तरफ से लेटर जारी किया गया है नीतीश कुमार के साथ साथ मुख्य सचिव को, इस लेटर में लिखा गया है, लेटर को अध्यक्ष बीबी लाल की तरफ से लिखा गया और इसमें लिखा गया है कि हम आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे को आपसे रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए और ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सिविल सेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और उन्हें बिना किसी भय या धमकी के काम करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करें। इस लेटर के माध्यम से साफ साफ लिखा गया है, बिहार सरकार को यह कहा गया है कि आपने जो फैसला लिया है वो कहीं से भी अधिकारियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि अब अधिकारी ड्यूटी पर बेखौफ होकर काम नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से कृष्णैया की हत्या की गई थी वो भी बहुत गलत था और ऐसे में उनके आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि इन दोषियों की रिहाई जी कृष्णैया की स्मृति के साथ घोर अन्याय है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे अनुरोध पर विचार करेंगे और इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे। हम लोगों के हितों और बिहार की सिविल सेवा की रक्षा के लिए हर संभव आपका समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि हम लोगों के हित के साथ साथ जो भी आपके द्वारा काम दिया जाएगा, जो भी सिविल सेवा के कार्य होंगे उसमें आपका समर्थन करने को हर तरीके से तैयार है। हम एक समर्पित और ईमानदार सिविल सेवक जी कृष्णैया की हत्या के जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार सभी दोषियों को रिहा करने के हालिया फैसले का कड़ा विरोध करते हैं, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। इन दोषियों की रिहाई न केवल सिविल सेवकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करती है, बल्कि हमारे देश की कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को भी कमजोर करती है। तो रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन की तरफ से ये लेटर लिखा गया है और साफ कहा गया है कि इस फैसले से न्यायिक जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होने लगेंगे और कड़ी आपत्ति भी जाहिर करने का काम किया गया है। अब देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया जाता है, क्योंकि रिहाई तो आनंद मोहन की हो चुकी है लेकिन रिहाई के बाद का जो उनका रास्ता है वो काफी मुश्किल भरा है, काफी कांटों भरा है, क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो आनंद मोहन इसको लेकर पहले भी कह चुके हैं कि कहिए तो हम वापस से जेल चले जाते हैं। अब देखना होगा, बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच आनंद मोहन वापस से जेल चले जाएंगे या फिर बिहार सरकार की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की तमाम वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।